दैट कि जब हम क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं और जब हम क्रिएटर के साथ स्कैनिंग करते हैं, तो एक्चुअली हमारा ईगो, या जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि व्हेन यू आर आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ का जो ग्रेविटी फील्ड है उसके बाहर से जब आप हीलिंग करते हो, तो यू आर आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस. ओके, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस. ओके, तो जब आप टाइम एंड स्पेस के बाहर काम करते हो, तो आपके कर्मा जीरो हो जाते हैं. तो जब आपके कर्मा जीरो हो जाते हैं, देन यू कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ एंड योर ओन लाइफ. जब तक कि आप ऑर्बिट के अंदर रहोगे, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडीज लाइफ. तो जब आप वहां से सेवंथ प्लेन से आप हीलिंग करोगे, तो डेफिनेटली आप दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हो. ओके, सो स्कैनिंग के बाद आई विल टीच यू द मसल्स टेस्टिंग. बहुत सारे लोगों को मसल टेस्टिंग आती है, जिन्होंने थीटा हीलिंग की है, और जिनको मसल टेस्टिंग नहीं आती है उनको हम मसल टेस्टिंग सिखाएंगे. एंड एक एक ऑर्गन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, एक एक एनाटॉमी के ऊपर काम करेंगे. एंड आप लोग इमिजिएटली ये समझ सकते हैं, जब ये कोर्स करेंगे तो आप लोग इमिजिएटली आप समझेंगे कि मेरे किस बॉडी पार्ट में या मेरे किस एनाटॉमी में प्रॉब्लम है, मेरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या मेरे को जो इमोशंस आ रहे हैं, या जो मेरी लाइफ में हो रहा है. नॉट ओनली इमोशंस, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दैट ऑल्सो कनेक्ट टू योर एनाटॉमी. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आपकी लाइफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे साथ जो मेरे इमोशंस हैं, वो मेरे किस ऑर्गन में जाके क्या डैमेज कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली उसको बदल सकते हो. सो जो मैं बात कर रही थी आइज की एक बारी, तो आइज के लिए एक ब्रोकन सोल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो. उसके अलावा हार्ट सॉन्ग्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो पूरी हार्ट प्रॉब्लम को आप रिलीज कर सकते हैं. एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हमेशा आपके हार्ट पे एक स्कार आ जाता है, एक कट आ जाता है. जब दूसरी बार आता है तो और बड़ा हो जाता है. जब तीसरी बार आता है तो हार्ट उसको हैंडल ही नहीं कर सकता, तो हार्ट फेल हो जाता है. दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन देयर आर स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि स्टेम सेल्स को किसी दूसरी सेल्स में बदला जा सकता है. तो ये काम जो डॉक्टर्स कर सकते हैं, वो हम यहाँ इंट्यूटिव एनाटॉमी में कर सकते हैं. हम सेवंथ प्लेन से उन सेल्स से उस स्कार को कवर कर सकते हैं, सो दैट कभी भी कोई भी झटका आए तो वो ओपन नहीं होगा हार्ट. सबसे बड़ी बात है, जब आप इतना जान जाएंगे तो ऐसा तो होने वाला ही नहीं कि आपको दोबारा हार्ट अटैक हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो. तो वो क्या होगा कि आप वहां से अपने सारे वो ग्रीफ, सारी सैडनेस, हार्ट में हमेशा सैडनेस होती है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड. जो आपके लंग्स में सैडनेस होती है, जो ग्रीफ होता है, इट रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, योर एंसेस्टर्स, एंड बहुत सारी अलग चीजें होती है जहां पे आपने ये बिलीव लिया होता है कि आई हैव टू बी सैड, होगी मुझे तो बस दुखी ही रहना है लाइफ में. फिर आप सोचते हो कि अरे यार, मैं तो मतलब खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ना ऐसा होता रहता है कि मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती. कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है, बिकॉज यू हैव दिस प्रोग्रामिंग इन यू. आप वो प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में लोग चेंज हो जाएंगे, आपकी बॉडी, जितने भी कॉन्फिडेंट लोग आपने देखे हैं, हेल्दी लोग देखे हैं, दे हैव वेरी स्ट्रेट लुक ऑफ द बॉडी, दे लुक वेरी फिट एंड एकदम स्टिफ बॉडी उनकी. स्टिफ इन द सेंस, इन अ गुड सेंस. स्टिफनेस वैसे अच्छी नहीं होती है, लाइक आर्थराइटिस वगैरह जिनको होता है, दैट इज द डिफरेंट स्टिफनेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्टिफनेस. दे वेरी फर्म एंड दे लुक वेरी स्मार्ट, दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, सो ये जैसे ही आप अपने बिलीफ निकालेंगे, सैडनेस निकालेंगे, अपना एंगर निकालेंगे, अपने रिजेंटमेंट्स निकालेंगे, जैसे ही आप ये सब रिलीज करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा. और जो लोग आपको ये सब दे रहे हैं, जो उसकी वजह बन रही है, या तो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या दे विल बिकम योर फ्रेंड्स एंड दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इन योर लाइफ, दे विल हेल्प यू इन योर लाइफ. सो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में छोटी, जैसे नेल है, हेयर, मैंने अभी हेयर की भी बात की, मैंने आपकी स्किन की भी बात की, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आएगा, हर चीज में. जिन लोगों को आईज रिलेटेड, मतलब जिनकी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा पेन रहा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा है, शॉक्स रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा ट्रबल रहा है, उनके ना
पूरी सोल पे क्रैक्स आ जाते हैं. वो क्रैक्स को हम कैसे रिपेयर करेंगे, दैट वी विल लर्न इन दैट. हार्ट हार्ट सॉन्ग के अलावा हार्ट के लिए एक और प्रोसेस होता है विच बैलेंसेस योर हार्ट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर टेंशन. जो हाइपर टेंशन है, एक बारी एक वन पर्सन वाज फेंट इन द मॉल एंड शी कॉल्ड मी कि भाई ये हो गया और अभी क्या करें. तो उन्होंने बताया कि इनकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की. तो मैंने डिस्टेंस से ही उनको हीलिंग किया एंड आप बिलीव नहीं करोगे टिल दैट डेट इसको भी हो गए 5 से 7 साल तो इस बात को हो गए. आज तक उनको हार्ट और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कभी भी हाइपरटेंशन ही नहीं हुआ. पर हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे है, कैसे इसको बैलेंस करेंगे. एक्चुअली आपका पूरा हार्मोन बॉडी के पूरे हार्मोन बैलेंस होंगे, स्पेशली मेल एंड फीमेल बोथ. एंड आपको ये भी पता चलेगा कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी में कहाँ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमको लगता है इट इज एज रिलेटेड, इट इज बिकॉज कि मेरी मम्मी को भी ऐसा था, मेरे पापा को वैसा था, इसीलिए हमको हो रहा है. नहीं, यू कैन चेंज एवरीथिंग इफ यू वांट. अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं. आप अपनी बॉडी का टोटल स्ट्रक्चर चेंज आपको दिखेगा अगर आप वाकई में एक एक एनाटॉमी पे काम कर रहे हैं. क्योंकि जैसे ही मैं आपको बिलीफ्स की लिस्ट दूंगी, आपको सारे ऑर्गन्स की लिस्ट दूंगी, आप उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं अदरवाइज, मतलब नॉट ओनली इंट्यूटिव वर्क जो हम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारी चीजें दूंगी जिससे आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं. ठीक है, ये एक तो ये चीज है इसमें. दूसरी बात यह है कि इस कोर्स के थ्रू जितने भी सिम्टम्स लोगों के आपको दिखते हैं उनके थ्रू उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप उनको बता सकते हैं. कि अगर आपको ये लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके ईयर्स में प्रॉब्लम है या आपके पैरों में प्रॉब्लम है या आपकी बोन्स में प्रॉब्लम है, तो ये कौन से इश्यूज आपकी लाइफ में हो रहे हैं. तो अगर किसी को वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं ले रही है, ओके, उसके बहुत सारे बिलीफ होते हैं रिलेटेड टू सपोर्ट. तो वो बिलीफ क्या है, और ये बहुत डीप स्टडी है. ये जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं सब जगह वैसा नहीं है, ये बहुत डीप स्टडी है. और जैसे ही आप वो बिलीफ निकालेंगे, इवन यहाँ पे आप ये भी सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट यू नो मिनरल्स एंड विटामिन इन योर बॉडी. आप वो क्रिएट कर सकते हैं, कैल्शियम का मैं क्रिएट कर सकते हैं, आयरन का मैं क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो शायद आप में से किसी को नहीं पता, जो मेरे को इस कोर्स से पता चला कि जो लोग पहले चांदी का दांत लगवाते थे, सोने का दांत लगवाते थे, याद है आपको, आपने बहुत, आजकल तो कोई ये सब चीजें यूज नहीं करता है, ये सारी चीजें बहुत एंटिटीज को अट्रैक्ट करती हैं. अब आपने देखा होगा जो फिल्मों में विलेन होता है उसके दांत चांदी सोने के जरूर होते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, बिकॉज मेटल पॉइजनिंग भी आपकी बॉडी में होता है. मेटल पॉइजनिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ, और जो फंगल इश्यूज भी जो होते हैं ना, मेटल पॉइजनिंग, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे इश्यूज जो है आपको अनवर्दीनेस की तरफ ले जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव पावर टू फाइट विद द वर्ल्ड. तो आपके ये दांत जाने लगते हैं. तो जब जो लगवाते थे चांदी, ये चीज मुझे कहीं पता नहीं चली, ये चीज मुझे इस कोर्स में पता चली कि चांदी सोने के दांत लगाने से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज यू अट्रैक्ट एंटिटीज because of this metal, because it doesn't go with the body. Body को metal चाहिए होता है, लेकिन हर चीज को body में लेने का एक तरीका होता है, किस तरीके से balance करके आप उसको body में लेंगे. तो हम calcium लेंगे या हम कोई दूसरा mineral, vitamin अपनी body में लेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उस balance तरीके से हम लेंगे. And जितना आप इसके साथ काम करेंगे, इंट्यूटिव एनाटॉमी के साथ अपने ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर, उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे डे बाय डे, क्योंकि उतनी ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, आपका कनेक्शन आपकी बॉडी पार्ट से बढ़ेगा, या अगर आप किसी और का भी कर रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है, आपकी नॉलेज आप बढ़ रही है. तो ये कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था कि ये कोर्स में इतना ज्यादा मुझे सीखने को मिलेगा, कि मैं एनाटॉमी जानना चाह रही थी कि बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें फॉर्म होती हैं. इवन आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, जिसको आप थीटा हीलिंग में एक कमांड है जिसमें हम वो जो रेज होती है जो वहां यूज होती है जिनसे वो तोड़ा जाता है स्टोन को, दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट.
बट उसके पहले जब आप बिलीफ निकाल देंगे तो आपका स्टोन आराम से चला जाएगा, ये दोबारा क्रिएट नहीं होगा एंड फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा, और आपकी आने वाली जनरेशन को भी आप इससे फ्री कर देंगे, बिकॉज जो आप बिलीव कर रहे हैं वही आपकी आने वाली जनरेशन उसी पर चलने वाली है, क्योंकि 99.99% वी आर आवर एंसेस्टर्स डीएनए, तो यहाँ पे आपका पूरा डीएनए से ही क्लेंजिंग हो रहा है। तो अगर आप सारे एनाटॉमी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपना पूरा सिस्टम क्लीन कर रहे हैं एंड अबंडेंस में आ रहे हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जितनी बीमारियां उतना कम खुशी उतना कम प्रॉस्पेरिटी, और जितना अच्छा बॉडी उतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी उतनी अच्छी हेल्थ और उतने अच्छे रिलेशनशिप। पहले बोलते थे कि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो भगवान खुश नहीं है आपसे, तो आपको कुछ तो करने की जरूरत है, तो यह हवन पूजा पाठ सब होते थे, लोग अपने अपने उसमें जाते थे क्योंकि वो ब्लेसिंग हमको चाहिए। बट इस कोर्स के थ्रू हम सेवन प्लेन पे जो कनेक्ट होंगे और वहां से जो हम करेंगे इट्स सेल्फ अ ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग हमको ऑलरेडी मिल रही है। इवन यहाँ पे अगर आपको किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करना है, किसी भी ऑर्गन से कनेक्ट करके, इवन वी कैन टॉक टू द ऑर्गन, हम ऑर्गन से बात कर सकते हैं भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो ऑर्गन खुद ही बताते हैं कि भाई जैसे बोन्स हैं, मैं हमेशा जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की उन्होंने हमेशा एग्जांपल दिया कि बोन्स सबसे इजी होता है उनकी एनर्जी को एक्सेस करना, क्योंकि बोन्स का काम हो चुका, उनको जितना बड़ा होना था बड़ी हो गई, तो सबसे इजी होती है उनको। आप जैसे स्केलेटन सिस्टम को बोलेंगे क्रिएटर प्लीज शो मी द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले आ जाएगा, हाँ बोलो भाई अपने पास तो कोई काम है नहीं तुम ही बात कर लो, ऐसा रहता है। बाकी दूसरे से आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्रिएटर प्लीज शो में सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को तो बहुत काम है, ब्लड यहाँ वहां ले जाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो यू हैव द पेशेंस कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं भगवान, तो आप उसमें देखेंगे हाँ भाई हार्ट से कैसे ब्लड पंप हो रहा है, इवन जो हमारे जो हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उनके क्या रीजंस होते हैं वो आपको इस कोर्स में पता लगेगा, और उनको आप कैसे खोल सकते हैं, सबसे बड़ी बात उनको आप कैसे खोल सकते हैं, और वो खोलने के लिए कौन से इमोशंस का आपकी बॉडी से जाना जरूरी है। आप ये बिलीव कीजिए, ये इंट्यूटिव एनाटॉमी से मैंने बहुत सारी बीमारियों का जो सोल्यूशन है जो बहुत क्रिटिकल हो सकता था वो खत्म करके सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन पे लोग आए हैं, और उसको भी बाद में उन्होंने छोड़ दिया है। सो इसका असर जो है 15 दिन 20 दिन और 1 महीने तक आपको पूरी तरह से आ जाता है। तो ये बहुत ऐसा जो कोर्स है ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है, और एक 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 सिस्टम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कितनी, हमको यही नहीं पता होता हमारी बॉडी में ऑर्गन कितने किस सिस्टम से रिलेटेड, तो हम हीलिंग तो क्या ही पहुंच पाएंगे वहां तक, बिकॉज व्हाट योर ब्रेन नोस ओनली दैट योर माइंड कैन एक्सेस। जब आपको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन में तकलीफ है, और या ये जो हमें पेन यहाँ पे हो रहा है वहां पे कौन सा ऑर्गन होगा, या भाई हमारे जो मैक्सिमम ऑर्गन होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारी किडनीज होते हैं, सो किडनीज तो हमारी बॉडी की बैटरी है, ठीक है। लिवर का काम क्या होता है कि हमारी किडनीज वगैरह जो फिल्टर करने वाले हैं उसको इतना फाइन करो कि आराम से फिल्टर कर दें, है ना, लिवर उतना करके वो भेज देता है कि भाई चलो ठीक है हो गया। इवन आप पूरी बीमारियों की स्टोरी सुनेंगे कि बॉडी में ये बीमारियां कैसे बन जाती है, ऑर्गन कैसे कैसे फील करते हैं, सो इवन आपकी डायबिटीज की एक अलग स्टोरी है, स्टोन बनने की अलग स्टोरी है, ठीक है, हार्ट में जो बन रहा है आपके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसकी एक अलग स्टोरी है, सो यू विल गेट टू नो ऑल द स्टोरीज कि ऑर्गन क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, इवन दे रियली वॉन्ट यू टू। थोड़ी जैसे मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो मसल्स में प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है कि मसल्स को हम सबसे ज्यादा एग्जर्ट करते हैं, हर चीज में हमारी मसल चलती है, हाथ चला रहे हैं हमारी मसल्स चल रही है, तो अगर हम मसल्स को सिर्फ ऐसे पैम्पर करें, दे जस्ट नीड टू बी पैम्पर, उनको बस आपका लाड़ प्यार चाहिए होता है, अगर आप ऐसे अपनी थाइस को भी पैम्पर करेंगे अरे आई एम सॉरी मैंने आपको एग्जर्ट कर दिया मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो पेन ना बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, जो आपके थकान वाले पेन होते हैं ना, अब जैसे आप हाथ से दबाते हैं पैरों उसकी जगह आप बोलते भी जाइए, मतलब दवाई है लेकिन बोलते जाइए अरे सॉरी मैंने आपको बहुत एग्जर्ट किया मुझे से नहीं करना चाहिए था, पर मैं आगे ध्यान रखूंगी कि आपको इतना ज्यादा एग्जर्ट ना करूं, पर आई एम सॉरी। तो ऐसे करके अगर आप मसल्स करेंगे आप जादू देखेंगे, जादू की ये ना एक जादू जैसा हो जाता है,
सो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं पता आपके बॉडी में एक एक मिनट में, या ओनली जस्ट थिंकिंग कि अच्छा मेरी मसल्स में प्रॉब्लम है, आप मन ही में बोल देंगे मसल सॉरी आज मुझे बहुत काम करना पड़ा पर आपने मेरा साथ दिया इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस मैं आपको हर्ब्स बताऊंगी, हर्ब्स के अलावा आपको ऑयल्स पता चलेंगे कि कौन से ऑयल से आपकी बॉडी में क्या चीज हो सकती है, कौन से ऑयल्स आप खा सकते हो, कौन से ऑयल्स आप ऑयल्स बॉडी में लगा सकते हो, और बहुत सारे जूसेस के बारे में आपको पता चलेगा। आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी जूसेस ऑयल एंड हर्ब्स के, जिससे आपकी सारी बॉडी की क्लिंजिंग होगी। सो इट इज नॉट ओनली इंट्यूटिव वर्क, यू आर गोइंग टू हैव समथिंग इन योर हैंड। अगर किसी को इंट्यूटिव वर्क भी नहीं कराना तो भी आप उसको एक चीज तो बता ही सकते हैं कि भाई ये कर लो, इससे तुमको बहुत फायदा होगा। इट्स अ वंडरफुल थिंग।